देखो एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है इसमें, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आपके वो पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। मान लो ये ए बी और सी है, ये कोऑर्डिनेट आपका एक्स वन कॉमा वाई वन, ये कोऑर्डिनेट आपका एक्स टू कॉमा वाई टू, ये कोऑर्डिनेट आपका एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। ठीक है, तो आपको कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जो आपके एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो स्लोप ऑफ एम ऑफ ए बी आपका एम ऑफ बी सी के बराबर होता है, ये कंडीशन है कोलिनियरिटी की, याद रखो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ए बी लाइन का स्लोप और बी सी लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप बराबर होगा तो आपका कह देंगे कि कोलिनियर है। तो अच्छी कंडीशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे सवाल देखना चाहो तो देख लो। क्वेश्चन हमारा है, कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स कॉमा माइनस वन, टू कॉमा वन, फोर कॉमा फाइव। बोल दिया कि ये कोलिनियर है। क्या पूछा है? फाइंड एक्स। ठीक है, अब आपको जिसको नहीं पता होगा ये कंडीशन, वो ये सवाल नहीं सॉल्व कर सकता है। तो आपको पता है, तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लो ए, ये कोऑर्डिनेट मान लो बी, ये कोऑर्डिनेट मान लो सी। तो एम ऑफ ए बी निकाल लो। एम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, टू अपॉन टू माइनस एक्स। एम ऑफ बी सी निकाल लो, क्या हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, फोर बाई टू, टू। दोनों बराबर होते हैं तो टू अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, टू टू कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई टू। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे कि चेक कर लेंगे कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। अगला हमारा हेडिंग आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो, किसी भी लाइन को लिखने की, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बात समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। तो अब अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग तरह से पढ़ेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर आपके पास मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, तो मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। तो अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां पे आपका ये मान लो ए कोऑर्डिनेट है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू ए, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो एक्स एक्सिस में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसको कहां पे कट कर रही है? ए पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये आपका वाई इज इक्वल टू ए हो गया। मान लो ये कोऑर्डिनेट आपका बी है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू बी लाइन। ठीक है, तो जब भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये आपकी वर्टिकल लाइन थी, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जहां पे ये कोऑर्डिनेट कट कर रहा होगा वाई एक्सिस, तो एक बात याद रखो, जब एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स नहीं होगा, जब वाई एक्सिस से पैरेलल है तो वाई नहीं होगा। ठीक है, यहां बी पे कट कर रही है तो ये एक्स इज इक्वल टू बी है, ये वाई एक्सिस पे कट कर रही है ए पॉइंट पे, तो ये वाई इज इक्वल टू ए है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्म था हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। दूसरा आता है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब ये है कि आपके पास क्या पता है, आपको पॉइंट भी पता है कोई, और ये आपको उसका लाइन का स्लोप भी पता है।
बात समझो, मतलब आपको एक पॉइंट ए पता है एक्स कॉमा वाई, एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक आपको स्लोप पता है उस लाइन का एम। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका नाम पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखो कंडीशन पे ही उसका नाम रखा गया है। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब आपको एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। तो आपने पॉइंट मान लिया एक्स वन कॉमा वाई वन पता है, स्लोप आपने मान लिया एम पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और आपको स्लोप दिया है स्मॉल m, तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इसको याद रखना, और इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और एक स्लोप पता होनी चाहिए। तीसरा हमारा आता है, चाहो तो इस पे एक एग्जांपल भी देख लो। एग्जाम्पल देखो किस तरह से है। आपको अगर मान लो दिया है कोऑर्डिनेट माइनस टू कॉमा थ्री और स्लोप दिया है आपको माइनस फोर, आपसे बोल दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बात समझ में आ रही है? पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तुरंत आपको कंडीशन देख के आपको समझ जाना है इनमें से कौन सा फॉर्म लगने वाला है। एक पॉइंट दिया एक स्लोप दिया है तो भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा तो इसकी क्या हो जाएगी इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम कितना है माइनस फोर एक्स माइनस ऑफ एक्स वन। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस टू, y माइनस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस एट, तो फोर एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई जब हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है? तो ये आपका एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं ताकि आपको पता भी हो और अप्लाई कैसे करते हैं ये भी समझ में आना चाहिए। तीसरा हमारा आता है टू पॉइंट फॉर्म, थर्ड है टू पॉइंट फॉर्म। अब इसकी क्या कंडीशन होगी जरा बताओ, टू पॉइंट फॉर्म की क्या कंडीशन होगी? साफ साफ पता चल रहा है आपको नाम से कि दो पॉइंट्स आपको पता होंगे, ठीक है? तो वो आपका टू पॉइंट फॉर्म होता है। तो ए क्या हो गया एक्स वन कॉमा वाई वन, बी क्या हो गया एक्स टू कॉमा वाई टू। यहां पे आपको स्लोप नहीं पता है क्योंकि ये टू पॉइंट फॉर्म है, ठीक है? तो इसका फॉर्म इक्वेशन क्या हो जाता है जनरल, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ये इसकी जनरल इक्वेशन हो जाती है। लिखा मैंने यही है, बट आपको ये पता है कि आपके यहाँ पे स्मॉल m ना देके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाती है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये आपका टू पॉइंट फॉर्म हो गया, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी फॉर्म है? तो तीन फॉर्म पढ़ चुके हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। अगला देख लो, अगला हमारा है फोर्थ। फोर्थ है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ रहे हो क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर आपकी लाइन ऐसे है, आपकी लाइन ऐसे जा रही है, मतलब इस लाइन का आपको स्लोप पता है और इस लाइन का आपको इंटरसेप्ट पता है। ये इंटरसेप्ट सी, ये आपकी जो लाइन है ये आपका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बना रही है, तो इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? मतलब उस लाइन का आपको स्लोप भी पता है और उस लाइन कितना इंटरसेप्ट बना रही है वाई एक्सिस के साथ आपको ये भी पता है। सिमिलरली ये भी हो सकता है, मान लो लाइन ऐसे होती, इस लाइन का आपको स्लोप पता है, आपकी इस लाइन का आपको इंटरसेप्ट पता है। तो ये आपका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के अलोंग है, ये आपका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें होता है और इसमें होता है वाई इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस सी।
ये तब जब x एक्सिस के साथ से इंटरसेप्ट हो, व्हेन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये कब, व्हेन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये आपका जब x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट हो तब है, ये आपका जब y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट हो तब है, y is equal to mx plus c, y is equal to m of x minus c, ठीक, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कंडीशन क्या है, आपको स्लोप पता होगा, आपको इंटरसेप्ट पता होगा, सीधे ये फॉर्मूला लगा देना, काम बन जाएगा। अगला आता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब समझ रहे हो, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब आपको आपकी x इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट भी पता है, लाइन ऐसे है, आपको मान लो x इंटरसेप्ट पता है a, y इंटरसेप्ट पता है b। अभी यहां पे क्या था, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, देखो कंफ्यूज मत होना, ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब यहां पे आपको सिर्फ एक इंटरसेप्ट पता है और एक स्लोप पता है, तो ये वाला लग जाएगा, यहां पे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब दोनों इंटरसेप्ट पता है, तो एक इंटरसेप्ट मान लो a, एक इंटरसेप्ट मान लो b, x एक्सिस के साथ जो है वो हमने a मान लिया, y एक्सिस के साथ जो है वो हमने b मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, x by a plus y by b is equal to 1, ठीक है, ये इसका हो गया। तो अभी इतने फॉर्म्स हैं हमारे जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसका ये इक्वेशन है, टू पॉइंट फॉर्म, इसकी ये इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी ये इक्वेशन, जब y एक्सिस से इंटरसेप्ट है, जब x एक्सिस से इंटरसेप्ट है तो ये इक्वेशन, और लास्ट है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें ये है।